डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर बायोलॉजी टीचर, योर बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में आज हम नीट का चैप्टर नंबर 5, जो आपके 12th का चैप्टर नंबर 5 है जेनेटिक्स, उसको इस सिंगल वीडियो लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। आप लोगों को ये तो बिल्कुल पता होगा कि इस चैप्टर से मैक्सिमम 30 मार्क्स के क्वेश्चन इंडिविजुअली आते हैं। तो यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट कर लिया तो मान के चलिए आपके बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। साथ ही आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सिर्फ फी है 10,000 रुपीज, जिसमें आप कंप्लीटली बायोलॉजी की कोचिंग आप अटेन कर सकते हैं नीट में। हमारे इस नीट बायोलॉजी ऑनलाइन कोचिंग कोर्स में आपको हम प्रोवाइड करेंगे पर डे 1 वीडियो लेक्चर। देन उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के आपको एक परमानेंट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, जिसको आप प्रिंट आउट करके वहां से स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम आपको अपने कोचिंग से पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बुकलेट्स एंड आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होगा, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। Now we are going to just start this chapter. So first of all, this chapter is known as genetics. So हमारे mind में सबसे पहला question आता है कि what is genetics? यहाँ पे देखिए, इसके हम word से ही इसका meaning हम यहाँ से निकाल सकते हैं। First of all, genetics that means gene plus statics, मतलब कि mathematical methods. So the study of gene on the basis of mathematical methods is known as genetics. और इसको आप easily definition note कर सकते हैं, genetics means the collective study of heredity and variation. हम यहाँ पे clear करेंगे कि what is the heredity and then variation. तो genetics एक biology का branch है, जिसमें हम heredity and gene के variations को हम क्या करते हैं, study करते हैं. So चलिए हम देखते हैं कि what is the meaning of heredity and variation. आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जब तक आपके पास एक ऐसा नोट्स आपके कॉपी में ना बने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काम आए, तब तक आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई या फिर क्रैक नहीं कर सकते। सो प्लीज, यदि आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बायोलॉजी का एक नोट्स बनाएं और उसमें जो भी पॉइंट्स मैं आपको नोट कराऊंगा उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसी शॉर्ट नोट्स को यदि आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और चलिए मेरे वीडियो लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पे 2 पॉइंट्स आता है, एक आता है आपका हेरिडिटी एंड दूसरा टर्म्स है आपका क्या, वेरिएशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? सो सिंपली यदि मैं इसका डेफिनेशन बताऊं आपको, हेरिडिटी मींस द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यहां पे देखिएगा, यदि हमारे कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से प्रोजिनी में या फिर ऑफस्प्रिंग में यदि ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी, या फिर हम बोलेंगे इसको इनहेरिटेंस। A specific character or gene is transferred from the parents or one generation to the another generation is known as heredity. And then variation. तो variation को आप simply ये समझ सकते हैं कि हमारे parents में, यहां पर देखिए parents, हमारे parents से हमारा क्या है generation हुआ है, मतलब कि progeny या फिर baby का formation हुआ है मान लेते हैं। तो हमारे पेरेंट्स और हम में कुछ ना कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे। तो उसी डिग्री ऑफ चेंजेस एंड डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। सो वेरिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं
individual of same species have differences is known as variation. अब ये तो हुआ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स. अब जब तक इनके पप्पा के नाम आप नहीं जानोगे, जेनेटिक्स में चार पप्पा होते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हीं फादर ऑफ जेनेटिक्स को आपको याद करना होगा कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक नामों से यहाँ पे हम जानते हैं. तो जेनेटिक्स में टोटली चार पप्पा होते हैं, सबको आपको याद करना है, ठीक है. कितने पप्पा बोल रहा हूं मैं? फोर पप्पा, ठीक. चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबसे पहला नाम आप जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो आप जानते ही होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल. और दूसरा पप्पा है इसका डब्ल्यू बैटसन, ये हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल, सेकेंड हो गया डब्ल्यू बैटसन. थर्ड नाम आ जाएगा आपका, जो कि बहुत ही फेमस है ड्रोसोफिला में लिंकेज, सेक्स लिंकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है आपका मॉर्गन. और फोर्थ साइंटिस्ट है आपका गैरोड, गैरोड. तो ये चारों क्या है, जेनेटिक्स के पापा है, जिनको हम लाइन बाय लाइन को स्टडी करना है. याद रखिएगा कि रियल लाइफ में चार पप्पा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट जेनेटिक्स में जो चार पप्पा होंगे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम इस बायोलॉजी के फील्ड में जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. सो ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. यदि मैं डब्ल्यू बैटसन की बात करूं तो डब्ल्यू बैटसन कौन है? फादर ऑफ व्हाट? मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स, ओके, क्लियर है. उसके बाद यदि मैं मॉर्गन की बात करूं तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ड्रोसोफिला पे, इसीलिए मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है. मॉर्गन को क्या बोलेंगे हम? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. और गैरोड की बात करें तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. ठीक है, तो इजली आपको याद हो जाएगा. देखिए, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल को हम बोलेंगे फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. इन्होंने ही फर्स्ट टाइम आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन सभी फील्ड्स को आइडेंटिफाई किया था. डब्ल्यू बैटसन, इनको बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉर्गन जो है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं. इनको हम लिंकेज, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इन सभी चीजों को डिस्कवर करने वाला कौन है? हमारा मॉर्गन है. इसीलिए हम मॉर्गन को बोलते हैं द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये चारों साइंटिस्ट के नाम और काम आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे. आप अपने नोट्स में एज इट इज जैसा मैंने नोट किया है वैसे ही आपको नोट करना है. यदि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसको आप पॉज करके पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं. तो ये पॉइंट्स क्लियर होने के बाद चलिए हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो कि बार बार रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, होमोजाइगस क्या होता है, हेमीजाइगस क्या है, लिंकेज क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम पहले देख लेते हैं.
तो चलिए स्पेसिफिक टर्म्स में हम सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स के बारे में, देन हम स्टडी करेंगे एलील्स, उसके बाद होमोजाइगस, हेटरोजाइगस और हेमीजाइगस कंडीशंस को भी हम देखेंगे कि ये होते क्या है, क्योंकि आप जब पूरे जेनेटिक्स के चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हर एक लाइन पे ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स का या फिर जेनेटिकल टर्म्स का नाम बार बार आएगा, तो आपको हर एक पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए। कभी कभी फैक्टर्स, एलील्स और हेमीजाइगस कंडीशन जो है आपके नीट एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नंबर वन जो है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स दैट मींस इट इज द यूनिट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दैट मींस ये वही यूनिट है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बट ये जो फैक्टर नाम है वो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, बट बाद में After the different researches, बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जोहानसन, और जोहानसन ने इसका नाम रखा जीन। तो आप सभी को पता है जीन इज द यूनिट या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो या तो आप इसको फैक्टर्स कह सकते हैं या फिर इसको आप जीन भी कह सकते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। सो फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। तो मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, जोहानसन ने इसका नाम रखा था जीन। सो आज के टाइम पे हम इसको फैक्टर वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं जीन वर्ड। सो अल्टीमेटली फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर टू, एलील। नंबर टू हो जाएगा आपका एलील। सो एलील्स के लिए हम एक क्रोमोसोम ले लेते हैं। देखिए यहां पे एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहां पे एक जीन है जो है कैपिटल ए, और इसके सेम होमोलॉगस कंडीशन में एक दूसरा जीन है जो है स्मॉल ए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज एलील। सो एलील को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पे यदि दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलील्स बोलेंगे। सो द कैपिटल ए इज द एलील ऑफ स्मॉल ए, राइट। कैपिटल ए को हम स्मॉल ए का क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। ये हमेशा अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलील। अब हम बात करते हैं होमो, हेट्रो एंड हेमीजाइगस कंडीशन का। चलिए तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आपको मैं डेफिनेशन नोट कराऊंगा। बाय चांस मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट को स्मॉल प्लांट के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया। तो जब टॉल और स्मॉल प्लांट में जब क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ऑप्टेन होता है। ये क्या होते हैं, 100% टॉल होते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या था, प्योर टॉल प्लांट था, यहां पे प्योर डॉर्फ प्लांट था, ठीक है। मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ये हमारा क्या है, टॉल प्लांट है, और ये हमारा क्या है, डॉर्फ प्लांट का जीन है। जब इनका F1 जनरेशन में क्रॉस हुआ तो हमें क्या मिला, 100% टॉल प्लांट मिले, जो कि कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे। जब हम इसका इनके बीच में क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का, तब हमको क्या मिलता है, यहां पर देखिए, ये बाय चांस मैं एक पनेट स्क्वायर बनाता हूं और यहां पे मैं ऐसा नोट कर देता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल और ये स्मॉल टी। अब यहां पे देखिए, हमें सबसे पहला कंडीशन देखिए, टू डिफरेंट गैमिट से, देखो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, टू डिफरेंट गैमिट से हमको जब एक जाइगोट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल
यदि ये कंडीशन जिसमें प्योर कैपिटल टी कंडीशन है और इस वाली कंडीशन में जिसमें स्मॉल टी कंडीशन है, दोनों जो जाइगोट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस इंडिविजुअल कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो हेटरोजाइगस कंडीशन है, अब देखिए दो डिफरेंट गैमिट से हमको यदि कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, हेटरोजाइगस कहलाएगा। हेटरोजाइगस जिसमें टू डिफरेंट जीन्स जो है क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देखिए इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है। सेम टू सेम ये भी कंडीशन कौन सा होगा, हमारा हेटरोजाइगस कंडीशन होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल वो होंगे जिनमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेम एलिल्स उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और हेटरोजाइगस में जब दो जीन्स की बात करेंगे तो एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल क्या होंगे, इसमें जीन्स होंगे, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटरोजाइगस। और ये हमारा हो जाएगा होमोजाइगस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे नोट कर सकते हैं। सो होमोजाइगस का डेफिनेशन होगा, अ जाइगोट इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगोट एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फॉर्मड बाय दिस जाइगोट इज नोन एज होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी बात करते हैं हेटरोजाइगस का, तो हेटरोजाइगस कंडीशन क्या होगा, अ जाइगोट इज फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स कैरिंग डिफरेंट फैक्टर इज नोन एज हेटरोजाइगोट एंड द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय दिस गैमेट इज नोन एज हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। ये तो डेफिनेशंस हो गए होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन के। अब हम हेमीजाइगस कंडीशन को भी यहां पे क्लियर कर लेते हैं। हेमीजाइगस को मैं क्लियर करने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं ह्यूमन मेल कंडीशन। ठीक है, ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है एक्स और वाई। ठीक, बट फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसके पास सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, किसी सेट में सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेमीजाइगस ऑर्गेनिज्म। दैट मींस जो ह्यूमन मेल है वो क्या कहलाएगा, हेमीजाइगस कहलाएगा, और फीमेल जो है वो कहलाएगा आपका होमोजाइगस कंडीशन। इसको हम हेटरोजाइगस भी बोल सकते हैं, बट स्पेसिफिकली हम इसको क्या कहेंगे, हेमीजाइगस ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। दैट मींस इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका, इफ इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेमीजाइगस। ओके, सो तीनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं मेल ह्यूमन, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। होमोजाइगस कंडीशन में आपका एक्स एक्स ले सकते हैं आप, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आप ले सकते हैं। हेटरोजाइगस के लिए आप क्या ले सकते हैं, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहां पे हो सकता है आपका स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तो जब भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटरोजाइगस बोलेंगे। तो ये फाइव डिफरेंट जो टर्म्स है वो क्लियर हो गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जेनेटिकल टर्म्स देखते हैं, आपका फिनोटाइप जीनोटाइप एंड फिनोकॉपी। सो इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्लियर करने से पहले आपको एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने क्या किया, टॉल प्लांट को मैंने एक डॉर्फ प्लांट के साथ में क्या कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, है ना। तो ये हो गया हमारा डॉर्फ प्लांट। इनके बीच में जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो पूरे के पूरे 100% क्या होते हैं, टॉल होते हैं। ये कौन सा जनरेशन था, तो F1 जनरेशन था। ठीक, उसके बाद यहां पे देखिए
जब मैं इसका F2 जनरेशन में क्रॉस कराता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो हमें नीचे क्रॉस मिलता है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मुझे क्लियर करना है फिनोकोपिन जीनोटाइप्स, तो उसको मैं क्लियर कराता हूं आपको। तो इसके टर्म्स में हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सभी आपके 25% होते हैं, टोटल का 25% होता है, और ये जो है वो टोटल कितने होते हैं, 50% होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको क्लियर कराता हूं फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप दैट मींस, फॉर एग्जांपल ये क्या है, टॉल प्लांट है ना, इसमें भी कैपिटल टी है मतलब ये भी क्या है, टॉल प्लांट है, मगर ये स्मॉल टी मतलब ये क्या है, डॉर्फ प्लांट है। सो अब यहां पे देखिए, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के दोनों इनका जेनेटिक जो जीन है वो डिफरेंट है, इसमें होमोजाइगस है ये हेटरोजाइगस है, फिर भी इनका अपीयरेंस कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, दोनों के दोनों टॉल है। दैट मींस फिनोटाइप, देखो कैपिटल टी इज द फिनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये फिनोटाइप इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये दोनों के दोनों टॉल दिख रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फिनोटाइप कहलाएंगे। बट यदि मैं जीनोटाइप की बात करूं तो ये डिफरेंट जीनोटाइप का है, ये भी डिफरेंट जीनोटाइप का है, और ये भी डिफरेंट जीनोटाइप का है। दैट मींस जीनोटाइप मींस द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल ये टॉल प्लांट बना है कैपिटल टी से, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, ये वाला जो आपका इंडिविजुअल है वो कैपिटल टी स्मॉल टी से बना हुआ है, ये भी एक अलग जीनोटाइप है, और ये जो डॉट प्लांट है वो स्मॉल टी से बना हुआ है, मतलब इसका भी जेनेटिक मेकअप क्या है, अलग है। सो इट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, एक किसी कैरेक्टर्स के लिए जो उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। यदि मैं बात करूं जीनोटाइप का, तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसके लिए हो जाएगा आपका जीनोटाइप। अब हम बात करते हैं यहां पे फिनोकॉपी, तो फिनोकॉपी जो है इनके जैसा नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। चलिए तो इसको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल फिनोकॉपी किसको कहेंगे, यदि डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के जो इंडिविजुअल है उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमने रख दिया, ये एक लोकेशन, ये दूसरा लोकेशन, ये तीसरा लोकेशन, है ना, ए बी ये सी, तीन डिफरेंट लोकेशन पे मैंने कुछ जीन्स को रख दिया है। मान लेता हूं इसका नाम है आर आर, इसका नाम है बी स्मॉल बी, इसका नाम है डी स्मॉल डी, ठीक है, ये सभी जीन्स हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। अब जब इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रखने के बाद जब इनका डेवलपमेंट होगा और सभी के सभी सेम अपीयरेंस होंगे, देखो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बट सेम अपीयरेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं सेम अपीयरेंस, ठीक है, तो सेम अपीयरेंस होगा तब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी। सो इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका, इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट लोकेशन then they produce same phenotypes, it is called phenocopy। जब इनके phenotypes जो हैं वो क्या होंगे, same होंगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे, phenocopy बोलेंगे। तो ये है आपका specific genetical terms जिसको आपको जानना जरूरी है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं Mendelism, जो कि आपके NEET exam के लिए most important है, साथ ही साथ मैं आपको cover कराऊंगा most important question। हम theory पढ़ते जाएंगे और पूरे question को साथ में solve करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम डिटेल स्टडी करते हैं मेंडलिज्म का या फिर मेंडल्स लॉ का। तो सबसे पहले मेंडलिज्म या मेंडल्स लॉ को स्टडी करने से पहले हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि जो मेंडल है उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822, एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है जिसका नाम था सिलेसिया विलेज, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, डेट कौन सी है, 22 जुलाई 1822, ये डेट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। दूसरी बात, इनकी डेथ हुई थी 1884 में, राइट,
1884 में इनकी डेथ हो गई। यदि मैं इनके वर्क की बात करूं तो ये ऑस्ट्रिया में एज अ मॉन्क मॉनेस्ट्री में वर्क करते थे और उसी मॉनेस्ट्री में ही इन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया था, कंडक्ट किया था। चलिए उसके बाद देखें इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके नीट एग्जाम में आता है ये। इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 1856-57 में ऑन द पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम या फिर गार्डन पी प्लांट में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो आफ्टर 7 ईयर 1863 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, जस्ट 1863 में कंप्लीट होने के बाद एक स्पेसिफिक जर्नल में एज अ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस इनका जो पेपर है उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन और ये पब्लिश हुआ था 1865 में। बस इतने ही पॉइंट्स आपको ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में जानना है, देन हम डिटेल स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉ का, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो पॉइंट ये है कि मेंडल एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इजिली सक्सेस कैसे हो गया। इवन उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे वो भी उस टाइम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, बट उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो क्या रीजन है कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो एकदम नॉर्मल बेसिस पे सक्सेस हो पाया। तो चलिए उसके दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम, वो सिर्फ एक टाइम पे एक से दो कैरेक्टर्स की स्टडी करता था। दूसरी पॉइंट्स है सेलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट मींस उन्होंने जो सेलेक्ट किया था कौन सा प्लांट था, वो पी प्लांट। तो पी प्लांट का जो इन्होंने सिलेक्शन किया था इट इज द बेस्ट सूटेबल आइडल सैंपल फॉर द एक्सपेरिमेंट इन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पी प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो इनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल रहा है। वो कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट सैंपल था पी प्लांट और उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिया किनको, मेंडल को। जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि पी प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट है, दैट मींस इसका जो टोटल लाइफ साइकिल है वो 2 से 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये कि मेंडल जो है विद इन 1 ईयर 3 to 4 ऑफस्प्रिंग की स्टडी इजिली वो कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इनमें यदि आप देखें तो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो प्रेजेंट थे, जिससे मेंडल ने इजिली उनको डिस्क्रिमिनेट करके उनकी स्टडी किया। फॉर एग्जांपल मेंडल ने 7 different character के 14 traits की इन्होंने स्टडी किया, वो भी अलग अलग लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो इजिली हम उसको कल्टीवेट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ पॉलिनेशन के प्रोसेस से हम इजिली नेक्स्ट जनरेशन को हम पा सकते हैं। चलिए उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन या F2 जनरेशन के लिए जब हमको क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा तो हम इजिली आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन को इजिली उसमें परफॉर्म कर सकते हैं और इजिली उसको किसी भी लोकेशन पे कल्टीवेट भी कर सकते हैं। तो ये जो 5 points है वो बहुत ज्यादा क्या था, पॉजिटिव वे पे मेंडल्स को हेल्प किया और साथ ही साथ उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इजिली सक्सेस हो गया। तो साथ ही साथ हम ये भी कवर कर लेते हैं कि मेंडल ने कौन से 7 pairs ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की, वो भी किसमें, पी प्लांट्स में। ठीक है, तो पी प्लांट्स में उन्होंने 7 different characters के 14 traits का या फिर 7 pairs ऑफ ट्रेट्स की स्टडी की, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर है आपका लेंथ ऑफ प्लांट। तो लेंथ ऑफ प्लांट क्या था, एक डोमिनेंट है जिसका कैरेक्टर था टॉल और रिसेसिव था डॉर्फ।
ठीक है, हर एक कैरेक्टर में एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। यदि फ्लावर की पोजीशन की बात करूं तो डोमिनेंट में आता है एक्सियल और रिसेसिव में आता है टर्मिनल। तो टर्मिनल जो होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव नेचर का होगा। शेप ऑफ पोर्ट की बात करते हैं तो शेप ऑफ पोर्ट जो है वो इनफ्लेटेड होगा, इन फ्लेटेड होगा। और सेकेंड जो है वो क्या होगा, जो रिसेसिव है वो होगा कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड होगा। ओके, अब बात करते हैं कलर ऑफ पॉड की। तो कलर ऑफ पॉड में जो डोमिनेंट है वो होगा आपका ग्रीन कलर और रिसेसिव हो जाएगा आपका येलो कलर, राइट। उसके बाद बात करते हैं शेप ऑफ सीड का। तो ये तो बहुत फेमस है, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम इसको यूज करेंगे। जो डोमिनेंट है वो है आपका राउंड और रिसेसिव है आपका कैसा, रिंकल्ड, रिंकल्ड। ठीक है, झुर्रीनुमा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो झुर्रीनुमा होगा आपका रिसेसिव। नेक्स्ट है आपका कलर ऑफ कॉटिलीडन। तो याद रखना पॉट कलर ग्रीन और येलो, ये क्या था, रिसेसिव था, इसमें क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहां पे है आपका येलो कलर जो है डोमिनेंट होगा इन द केस ऑफ कलर ऑफ कॉटिलीडन, और ग्रीन कलर ये क्या होगा आपका, रिसेसिव नेचर का होगा। अब बात करते हैं कलर ऑफ फ्लावर का। तो डोमिनेंट में आ जाता है आपका वॉयलेट कलर और रिसेसिव में आ जाएगा आपका व्हाइट कलर, रिसेसिव में होगा व्हाइट कलर। ओके, तो जब भी हम कोई कैरेक्टर का यूज करेंगे तो ये सभी के सभी डोमिनेंट्स कैरेक्टर्स होंगे। देखो टोटल सेवन है और सेवन डिफरेंट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स का स्टडी किया, तो इसका दो आंसर होगा। पहला आंसर है 14 डिफरेंट ट्रेट्स, राइट। यदि मैं इसको पेयर में बोलूं तो हो जाएगा सेवन पेयर्स ऑफ ट्रेड्स का। ये दोनों आंसर सही होगा। तो थोड़ा सा इसमें माइंड आउट करना। इवन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है पी प्लांट का जिसका स्टडी मेंडल ने नहीं किया, तो आप ये सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स को रीड कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन जो है इजिली बन सकता है। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडलिज्म, पूरा मेंडल का इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शंस हो गए, उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके भी रीजन हमने क्लियर कर दिया। साथ में पी प्लांट में जितने 14 डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर सेवन पेयर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स थे उनकी भी प्रॉपरली हमने स्टडी कर ली। अब हम देखते हैं कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट कैसे करता था। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होता है जिसको बोलते हैं इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर करा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक होता क्या है। सो मेंडल ने प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट किया जिसका नाम था इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये इमस्कुलेशन एंड बैगिंग है क्या, तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि इमस्कुलेशन और बैगिंग होता क्या है। अब यहां पे याद रखना कि इमस्कुलेशन मतलब होता है जब भी कोई बाइसेक्चुअल प्लांट होगा, तो बाइसेक्चुअल प्लांट में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमस्कुलेशन। क्यों, क्योंकि हम बाइसेक्चुअल प्लांट में हम दो डिफरेंट सैंपल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक राउंड शेप सीड वाला और एक लेंगे व्रिंकल वाला। ठीक है, तो यदि हम एक को मेल और एक को फीमेल मान लें, बट ये तो बाइसेक्चुअल है तो इसको हम कैसे मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट जिसको हम फीमेल मान लेंगे तो उस फीमेल प्लांट में हम एंथर को रिमूव कर देंगे ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस ना हो। इमस्कुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एंथर इन बाइसेक्चुअल प्लांट, बाइसेक्चुअल प्लांट एट इमेच्योर
immature stage is called what? Emasculation, right? जब कभी भी बाइसेक्सुअल प्लांट में हम उसके इमेच्योर स्टेज में जब एंथर को रिमूव कर देते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। ये टेक्निक को हम यहां पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? तो इस टेक्निक को अप्लाई करने का सिर्फ एक रीजन है, टू व्हाट? टू प्रिवेंट। किस चीज को हम प्रिवेंट करेंगे एंथर को रिमूव करने से? टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस। हम उस बाइसेक्चुअल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इसीलिए हम इमस्कुलेशन टेक्निक को वहां पे अप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, देखो बैगिंग। बैगिंग तो सिंपल है भैया, जिसमें आपने इमस्कुलेशन किया है उसको बैग में कवर कर दो। तो कवर करने से क्या होगा, जो अनडिजायरेबल पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैगिंग के प्रोसेस को वहां पे अप्लाई करते हैं। तो बैगिंग का डेफिनेशन या फिर प्रोसेस क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इमस्कुलेटेड फ्लावर क्या हो जाएगा यहां पे, इमस्कुलेटेड फ्लावर, जो भी हमारी फीमेल फ्लावर है जिसमें हमने इमस्कुलेशन का प्रोसेस किया है, कवर्ड इनटू बैग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैगिंग टेक्निक बोलेंगे। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट दी अनडिजायरेबल पॉलिनेशन प्रोसेस, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बैगिंग प्रोसेस को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो मेंडल ने सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक को यहां पे इन्वेंट किया था। तो इससे क्या हो गया कि हमने इसमें क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया। तो बैगिंग करने के बाद देखिए, आपके वीडियो में नीचे ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उसमें देखिए हमने एंथर को वहां से कट करने के बाद वहां से रिमूव कर दिया, उसको एक बैग में पैक कर दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस मत हो, इवन जो अनडिजायरेबल पॉलिनेशन है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी बाय द बैगिंग टेक्निक। अब हम कोई भी सेलेक्टेड मेल के एंथर को कट करके इस जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उसके ऊपर में क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो स्प्रेड करने से क्या होगा, आफ्टर द स्प्रेडिंग उनमें उस पर्टिकुलर प्लांट में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस डन हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमको F1 जनरेशन में प्लांट मिलेंगे वो इसके ही हमको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और जितने भी 7 डिफरेंट डेट्स हैं उन सब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस प्रोसेस को आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए कि जैसे ही हम ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, देन मैच्योर फ्लावर को कलेक्ट करेंगे मेल से और उसको स्प्रेड कर देंगे किसमें, इमस्कुलेटेड फीमेल फ्लावर में। अब उसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, देन सीड आर फॉर्म्ड इन द फीमेल आफ्टर पॉलिनेशन। उस फीमेल प्लांट में क्या सीड जो है फॉर्म होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, उस सीड का यूज करके जो भी प्लांट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। और जब उस F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करा के दूसरे प्रोडक्ट को जब हम ऑब्टेन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। तो ये एक टोटल टेक्निक हो गया, प्रोसेस हो गया, जिसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, कंडक्ट किया था। अब हम देखते हैं द रिजल्ट ऑफ मेंडलिज्म, मतलब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमको कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी क्लियर करेंगे। यहां पे मैं आपको 100 ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में विद इन सेकेंड आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से क्लियर होगा मोनो एंड हाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में the inheritance of one character at a time, एक टाइम पे सिर्फ
एक ही कैरेक्टर्स के स्टडी करे तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो प्लांट सैंपल लिया था वो था आपका लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट, जिसमें आपको पता है कि डोमिनेंट कौन सा था, टॉल, ये जो टॉल था वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव जो प्लांट था वो है आपका डॉर्फ, जो कि क्या है, रिसेसिव है। तो इन्होंने सिंगल कैरेक्टर के स्टडी एक टाइम पे किया और उसी क्रॉस को इन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें हम एक प्लांट लेंगे जो प्योर टॉल प्लांट है, और दूसरा प्लांट जिसको हम क्रॉस के लिए लेंगे वो है आपका डॉर्फ प्लांट, दोनों के दोनों प्योर है। इनका यदि जेनेटिक मेकअप आप देखेंगे तो ये कैपिटल टी है, और ये जो डॉर्फ प्लांट है वो है आपका स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर डॉर्फ प्लांट। चलिए, तो इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं कि इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो चलिए, हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉल प्लांट, ये हमारा टॉल प्लांट हो गया, इसका हम क्रॉस कराएंगे डॉर्फ प्लांट के साथ। जब इसका हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका गैमिट है इससे सिंगल टी और इससे सिंगल स्मॉल टी आके जाइगोट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो है इसका फिनोटाइपिक कंडीशंस होंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिलता है, 100%। देखो यहां पे दोनों के जीन्स है, बट डोमिनेंट कौन है, टॉल प्लांट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो जितने भी प्रोजिनी यहां से हमको मिलेंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो सब के सब होंगे टॉल प्लांट, दैट मींस 100% टॉल प्लांट। अब क्या करेंगे, हमको इसी जनरेशन से F2 जनरेशन को भी क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो प्रोडक्ट मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा देते हैं, ठीक है। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इसको हम पनेट स्क्वायर से या फिर चेकर बोर्ड स्क्वायर से हम देख लेते हैं। यहां पे देखो, सिंपली ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसलिए इसमें सिर्फ दो डिफरेंट क्या है, यहां पे जीन है। यहां पे देखो, एक को मान लेता हूं मैं मेल, एक कंडीशन को मान लेता हूं फीमेल, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक कैपिटल टी यहां, स्मॉल टी यहां पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, बस ऐसे ही हमको पुट करना है। अब इन दोनों को मैच करते हुए इस बॉक्स को हमको फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यहां पे अल्टरनेट, यहां पे भी अल्टरनेट, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हमको आइसोलेट करना है। सबसे पहला नंबर वन, एक हमको देखना है फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक रेशियो, और दूसरा हमको देखना है जीनोटाइपिक रेशियो, राइट। अब देखना, फिनोटाइपिक रेशियो में आप मुझे बताओ कि ये कौन सा प्लांट है, टॉल प्लांट है कि डॉर्फ प्लांट है। यस ऑफ कोर्स टॉल प्लांट है, ये भी टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। तो आउट ऑफ फोर, थ्री जो कॉलम्स है वो सब में क्या होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे। तो देखो यहां पे टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरा देखो, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करता हूं, तो देखो कितने डिफरेंट जीनोटाइपिक मेकअप है यहां पे, ये प्योर कैपिटल टी, ये प्योर स्मॉल टी, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है। तो यदि मैं यहां पे जीनोटाइपिक रेशियो नोट करूं, देखो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी, तो बताओ मुझे आउट ऑफ फोर कैपिटल टी कितने हैं, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, दो, स्मॉल टी कितने हैं भाई, एक। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो याद रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट मिलता है वो है आपका फिनोटाइपिक रेशियो, टॉल डॉर्फ का होगा 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो होगा
वन इज टू, टू इज टू वन। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में इसको फिर से क्लियर करा दूंगा, है ना। लास्ट में मैं हर एक का रेशियो आपको एक पेज में ही क्लियर कराऊंगा, उसको आप नोट करना, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इनके दो लॉ हैं जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। मेंडल के तीन लॉ है, आपको सबको पता होगा। नंबर वन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नंबर टू इसका लॉ है, वो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बाय द यूजिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी कैन प्रूफ, क्या प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन प्रूफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए सबसे पहले हम मेंडल्स लॉ नंबर वन देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है, राइट। तो इसको याद रखना कि मेंडल के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए जब मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करता है, एक टॉल प्लांट का क्रॉस एक डॉट प्लांट से करता है, तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिलता है, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पे देखो, जब दो इंडिविजुअल के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, कौन सा क्रॉस कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो F1 जनरेशन में हमको 100% सिर्फ एक ही इंडिविजुअल मिलता है, वो भी कौन सा, टॉल प्लांट। मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में अपने आप को शो करता है और रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल टी को हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। तो कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा कैरेक्टर जो है क्या होता है, रिसेसिव होता है। इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट ऑन सिंगल इंडिविजुअल, जब दो डिफरेंट फैक्टर जो है जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, सो द ओनली वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को इस जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, तो नोन एज डोमिनेंट फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, अनदर यूनिट फैक्टर फेल्स टू एक्सप्रेस एज रिसेसिव फैक्टर, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपके मेंडल का पहला लॉ है जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम F2 जनरेशन से क्लियर कर सकते हैं, है ना। F2 जनरेशन में जब आप देखेंगे तो हमारे पेरेंट्स कौन कौन से थे, कैपिटल टी प्योर थे, स्मॉल टी भी क्या था, प्योर था। बट जब हम इसका क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन में हमको एक नया रिजल्ट मिलता है, कैसा नया रिजल्ट, कि ये 25% और ये 25% क्या है, ये प्योर पेरेंट्स है, बट ये जो 50% कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ये एक नया जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है। ये नया जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है, तो वो मिलता है हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो चलिए मैं आपको क्लियर कराता हूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। मेंडल का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब हम F1 जनरेशन के जो रिजल्ट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए एक इंडिविजुअल का जो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, ये दोनों क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और अलग अलग गैमीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये कभी भी ये एक ही इंडिविजुअल के दोनों जीन्स जो हैं एक ही गैमीट को के फॉर्मेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये अल्टीमेटली जब भी कोई गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो भी यूनिट फैक्टर है वो सेग्रीगेट होगा रैंडमली और ट्रांसफर इनसाइड द डिफरेंट गैमीट, गेट इट, ये हमेशा डिफरेंट गैमीट में ट्रांसफर होगा, ओके। उसके बाद यदि मैं इस गैमीट की बात करूं, मान लेते हैं कि गैमीट नंबर 1 है, ये गैमीट नंबर 2 है, तो इच गैमीट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर, इस पेयर में से
हर एक गैमेट जो है सिंगल फैक्टर को क्या करेगा, रिसीव करता है, कभी भी ये दोनों फैक्टर एक गैमेट में नहीं जाएगा। सो यदि ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए है तो जो भी गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, गैमेट आर प्योर फॉर दी पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये जो है टॉल के लिए प्योर हो जाएगा और ये जो है स्मॉल के लिए प्योर हो जाएगा, कभी भी ये मिक्स नहीं होता, हमेशा ही कैसे होते हैं, रेंडमली सेग्रीगेट होते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। और ये भी हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ होता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए यहाँ पे जो गैमिट है वो क्या होता है, प्योर। इसीलिए इस लॉ को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो भी पॉइंट्स मैं व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ उसको अपने नोट्स में पुट कीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। तो चलिए इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट मीन्स जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करें एट अ टाइम तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में होगा अक्रॉस इन विच स्टडी ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जब हम टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी एक टाइम पे करें तो उसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो ट्रेट सेलेक्ट किया था वो था आपका कलर ऑफ कोटिलेडन, नंबर वन। नंबर वन था आपका कलर ऑफ कोटी लीडन। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि कलर ऑफ कॉटिलीडन में दो कलर्स होंगे, एक होगा आपका येलो जो कि क्या है, डोमिनेंट है, और दूसरा है आपका ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर कैसा था, वो था आपका रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या था आपका, शेप ऑफ सीड। तो सीड का शेप के लिए भी मैंने दो कंडीशंस बताए थे, एक था आपका राउंड, एक है आपका क्या, राउंड जो कि क्या था, डोमिनेंट था, और दूसरा है आपका रिंकल्ड, रिंकल्ड जो कि क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे उसमें एक प्लांट होगा हमारा, ये एक प्लांट में उनके सीड जो है राउंड शेप का होगा और जो कॉटिलीडन का कलर है वो येलो होगा। इसका क्रॉस हम उस प्लांट के साथ कराएंगे जिसमें कॉटिलीडन कलर होगा ग्रीन और सीड का शेप होगा व्रिंकल्ड। ठीक है, तो ये हमारे मिल गए टू इंडिविजुअल प्लांट्स जिनमें दो दो कैरेक्टर्स को हम एक साथ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्लांट नंबर वन जिसमें येलो एंड राउंड होगा, प्लांट नंबर टू हो जाएगा जिसमें होगा आपका ग्रीन एंड व्रिंकल्ड। तो चलिए इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है। तो पहला प्लांट था आपका राउंड, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और येलो कलर, ठीक है, कैपिटल वाई, इसको हम कैपिटल वाई से शो करेंगे, ये कैपिटल वाई हो गया। मैं नीचे में नोट कर देता हूं, एक हो जाएगा आपका राउंड एंड येलो। ठीक है, इसका हम क्रॉस कराएंगे किसके बीच में, ये हो जाएगा आपका राउंड की जगह पे होंगे रिंकल्ड, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई की जगह पे हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक है, डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल, रिसेसिव है इसलिए स्मॉल। तो इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, तो इनमें कैरेक्टर्स होगा, एक होगा रिंकल्ड और दूसरा होगा वाई वाई के लिए हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, तो इनके बीच में हमको क्रॉस कराना है। तो जब इनके गैमेट्स बाहर आएंगे तो ये आएगा देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, इसका गैमेट है। यहां से हम गैमेट आइसोलेट कर लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक नया जनरेशन यहां से प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमको जो रिजल्ट्स मिलेगा
वो है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमको मिल गया। ये जो रिजल्ट्स होगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा 100% रिजल्ट होंगे। अब मुझे बताओ, यदि इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो डोमिनेंट ही अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके जो प्लांट्स हैं उसमें उनका सीड का शेप कैसा होगा, इनका होगा राउंड होगा, ठीक है। कोई भी प्लांट जो है व्रिंकल्ड नहीं होंगे, राउंड शेप होंगे और येलो कॉटिलेडन कलर होगा, ठीक है। तो राउंड एंड येलो होंगे पूरे के पूरे 100%, ठीक है। 100% जो रिजल्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा हमको राउंड एंड येलो का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे वो F1 जनरेशन में अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जब हम इस F1 जनरेशन के रिजल्ट्स को या प्रोडक्ट को इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, किनके बीच में क्रॉस कराते हैं, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस इसी के साथ जब हम करते हैं तो अब हमको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। तो देखो F2 जनरेशन के लिए हमको यहां पे ना 4 डिफरेंट गैमेट जो है जनरेट होते हैं, इन्हीं के बीच में क्रॉस कराना है, देखते जाना, ठीक है। इजिली क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको 4 डिफरेंट क्या मिलेंगे, गैमेट्स, इसी को हम पनेट स्क्वायर में रख करके पूरे इसके टोटल 16 डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, देखिए हमारे पास दो कैपिटल आर है, दो कैपिटल स्मॉल आर है ना। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो हमने सेम टू सेम यहां पे नोट कर दिया। अब हमको क्या करना है, वाई पुट करना है। तो वाई कैसे पुट करेंगे, पहले कैपिटल और बाद में स्मॉल, ठीक है। तो देखो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल वाई। तो देखो ये दोनों हो जाएंगे पेरेंटल टाइप और ये हो जाएंगे हमारे नए प्रोजेनी, है ना, न्यू प्रोजेनी, जो कि यहां से हमारे आइसोलेट होंगे। अब इन्हीं 4 डिफरेंट प्रोजेनी का यूज करके हम पनेट स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, 16 डिफरेंट फिनोटाइप्स को हम वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट आप अपने एग्जाम में जब इसका आपको रेशियो पूछा जाए तो पनेट स्क्वायर से आप उसको बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद इन 1 मिनट आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। पहले ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं उसको आप नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो अभी मैं बताऊंगा वो एक ट्रिक है जिससे हम शॉर्टकट इसके पूरे रेशियो को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा टेक्निक है। अब देखिए इसके लिए एकदम सिंपल सा टेक्निक है, ये देखो एकदम जादू जैसा लगेगा। 1 2 1, फिर लिखना होगा आपको 2 4 2, उसके बाद फिर से 1 2 1, मतलब कि आपको बचपन के दिन याद आए होंगे, है ना। तो देखो 1 2 1, 2 4 2, 1 2 1, ठीक है। ये तीन तीन का स्लॉट है, 1 2 1, 2 4 2, फिर वापस आ गया आपका 1 2 1। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है ना, ये है हमारे पास। तो अभी क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले यूज करते हैं कैपिटल आर को, तो देखते जाना। सबसे पहले मैं लिख दिया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स मैंने कैपिटल आर नोट कर दिया। अब एक स्मॉल आर पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, देखो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ये तीन हो गए। अब देखो ये हो गया प्योर डोमिनेंट, ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट। अब हमको क्या नोट करना है, रिसेसिव। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर, ये देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल 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 और स्मॉल, ये हो गया आपके टोटल 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन, अब सेम टू सेम हमको वाई को नोट करना है, बस उसका रिदम जो है वो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, ऐसे ही हमको पेयर मैच करने हैं बट तीन तीन अल्टरनेट करने हैं। कैसे, देखो सबसे पहले कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर दूसरे में कैपिटल अल्टरनेट, है ना। देखो कैपिटल अल्टरनेट स्मॉल, कैपिटल अल्टरनेट स्मॉल, कैपिटल अल्टरनेट स्मॉल, तो देखो ये हो जाएगा आपका, ये वाला स्मॉल हो जाएगा। अब फिर से आ गया कैपिटल
अल्टरनेट और ये हो जाएगा आपका स्मॉल, सेम टू सेम लास्ट में पुट करेंगे है ना, ये हो जाएगा आपका कैपिटल अल्टरनेट और ये हो जाएगा आपका स्मॉल, ठीक है। अब देखिए टोटल यदि आप इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 to 6, 6 to 10, 12, 13, 15, 16, तो हमको क्या मिल गया, टोटल 16 डिफरेंट क्या मिल गया, फिनोटाइप्स मिल गया है ना, फिनोटाइप्स या फिर सॉरी जीनोटाइप्स बोल सकते हैं। अब यहां पे मुझे ना यहां पे कलर कंफर्म करना है कि किसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, मुझे बताते जाना। जैसे कि पहला वाला ये कैसा है, ये राउंड है और येलो है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे आर ओ यू एन, मैं नोट कर देता हूं यहां पे राउंड एंड येलो, ठीक है। यहां पे भी कैपिटल है, कैपिटल है दोनों, तो यहां पे भी सेम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा राउंड एंड येलो, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखो, राउंड तो है बट ये येलो नहीं है, क्या है, स्मॉल आ गया, मतलब स्मॉल के लिए क्या है, ग्रीन, तो ये हो जाएगा आपका राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये देखो राउंड है और ये क्या है, फिर से आपका येलो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राउंड एंड येलो। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये भी राउंड और ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट है मतलब कि येलो, तो राउंड एंड येलो, ठीक है। आप पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद देखिए यहां पे कैपिटल आर है तो ये तो राउंड हो जाएगा, बट स्मॉल वाई है मतलब ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहां पे देखो ये लास्ट कंडीशन देखो, स्मॉल आ गया, अब यहां पे स्मॉल आया मतलब ये राउंड नहीं हो सकता, क्या होगा, रिंकल्ड होगा, तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं रिंकल्ड। अब इसको मैं डब्ल्यू से शो करूंगा यदि और आता है तो, है ना, ये हो जाएगा रिंकल्ड और कैपिटल है मतलब क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ठीक है। नीचे कंडीशन देखो, ये भी रिंकल्ड है और कैपिटल है मतलब कैसा होगा, ये येलो होगा। लास्ट वाला देखो, ये हमारा रिंकल्ड है प्लस ग्रीन है, तो ये हमको क्या मिल गया, टोटल रिजल्ट मिल गए, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमको दो चीजें आइसोलेट करना है। सबसे पहला हो जाएगा आपका फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो नोट करना है, और उसके बाद हमको देखना है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो में हमको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, राउंड, देखो यहां पे हमको ना चार डिफरेंट चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा राउंड एंड येलो, ठीक है। तो काउंट करो राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड येलो वन, मैं इसको ना कवर कर देता हूं ऐसा, राउंड एंड येलो वन, यहां पे दो हैं, तो टोटल कितने हो गए, प्लस वन प्लस टू थ्री हो गए, राउंड एंड येलो थ्री हो गए है ना। उसके बाद देखो ये वाला राउंड एंड येलो फिर से टू, तो फाइव हो जाएगा, राउंड एंड येलो कितने, फाइव प्लस फोर नाइन। अब देखो नीचे कोई राउंड एंड येलो नहीं है, तो टोटल राउंड एंड येलो कितना हो गया, नाइन हो गया, ठीक है, ये नाइन हो गया। अब यदि मैं रिसेसिव की बात करूं, ये देखो ये हमको मिल गया, अब मैं रिसेसिव की बात करूं तो सिर्फ एक है, एक है मतलब देखो ये रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ एक है, तो मैं लास्ट में नोट कर देता हूं इसको, ये सिर्फ एक नोट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो अल्टरनेट देखते हैं, सबसे पहले क्या देखें, अपन कोई भी चीज देख सकते हो, या तो आप राउंड एंड ग्रीन देख लो, राउंड एंड ग्रीन देख लो, या फिर रिंकल्ड एंड येलो देख लो, दोनों क्योंकि अल्टरनेट है ना, तो हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन। तो देखो राउंड एंड ग्रीन वन और राउंड एंड ग्रीन टू, वन और टू कितने हो गए, थ्री हो गए, ये राउंड एंड ग्रीन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, रिंकल्ड एंड येलो देखना है, तो देखो नीचे ये रिंकल्ड एंड येलो कितने, थ्री, तो ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। याद रखना हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है, जो पेरेंट्स होंगे डोमिनेंट वो 9 होगा, रिसेसिव वाला 1 होगा, और अल्टरनेट जो चेंज होगा वो कितने होंगे, इक्वल होंगे 3:3। अब आता है जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपका पूरा निकला हुआ है। जीनोटाइपिक रेशियो कितने हैं टोटल, देखो 1:2:1, ठीक है, उसके बाद है आपका 2:4:2,
एक साथ नोट करना है इसको। उसके बाद है इसी में कंटिन्यू है ना, इसी में कंटिन्यू है 242 फिर 1:1, ये हमारा कहलाता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो याद रखना कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो होता है आपका 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:1, 242:1:1। तो देखिए इस टेक्निक से आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ व्रिंकल्ड एंड येलो, तो देखो व्रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं तो आपको काउंट करना पड़ेगा ये 1 और 2 जो हमने यहां पे नोट किया है, तो आंसर आ जाएगा उसका 3 आ जाएगा। यदि आपसे पूछे व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, देखो व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो जीनोटाइपिक रेशियो कितने हैं आपके, सिर्फ एक है क्योंकि व्रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ क्या है एक ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप सेम टू सेम इसी टेक्निक से दूसरे क्वेश्चंस को भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में बना सकते हैं। एक डोमिनेंट को आप 3-3 अल्टरनेट लेंगे और एक डोमिनेंट को आप अल्टरनेट सीक्वेंस में लेंगे, कैपिटल अल्टरनेट स्मॉल, कैपिटल अल्टरनेट स्मॉल। तो इस तरह से आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को टेक्निक का यूज करके इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेक्निक बहुत अच्छा लगा होगा और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे और अच्छे से इसको रिमेम्बर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस आपका क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि मेंडल के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को हमने प्रूव किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, अब हम इसके डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था कि राउंड एंड येलो जो कि डोमिनेंट प्लांट है उनका क्रॉस हमने कराया था व्रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ जो कि क्या है रिसेसिव सैंपल है, राइट। जब इनका हमने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था, 100% डोमिनेंट टाइप मिला था जिसमें राउंड एंड व्रिंकल्ड थे, ठीक है। जितने भी प्रोजेनी हमको यहां से मिलेंगे सबके सब कैसे होंगे, राउंड होंगे भैया और क्या होंगे, येलो होंगे, यहां पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा। बट जब इसका हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलता है F2 जनरेशन, राइट। तो F2 जनरेशन में रेशियो आपको याद होगा 9:3:3:1 जिसमें से 9 और ये 1 जो है वो पेरेंटल टाइप है। कैसे पेरेंटल टाइप है, 9 रेशियो जो हमको मिलता है वो क्या है, राउंड एंड येलो है, ये देखो राउंड एंड येलो, तो ये पेरेंटल टाइप है, इससे हमको कोई काम नहीं, ठीक है। व्रिंकल एंड ग्रीन ये भी क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, देखो व्रिंकल एंड ग्रीन ये भी पेरेंटल टाइप है, तो ये दोनों पेरेंटल टाइप को यहां से हटा दो। अब देखो आप जो सेंटर में जो हमको पॉइंट मिला है 3:3, ये हमारा क्या है, न्यू फिनोटाइप है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन द F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट, 2 न्यू फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो 2 नए फिनोटाइप्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये नए फिनोटाइप्स क्या प्रूफ करते हैं, देखो ये जो राउंड है वो एक्सप्रेस हो रहा है किसके साथ, ग्रीन के साथ, ये देखो राउंड जो एक्सप्रेस हुआ ग्रीन के साथ और रिंकल्ड एक्सप्रेस हो गया किसके साथ, येलो के साथ। दैट मींस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर लाइक राउंड शेप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द येलो कलर, सो दे आर इंडिविजुअली एक्सप्रेस्ड विथ ग्रीन एंड wrinkled इज इंडिविजुअली एक्सप्रेस्ड विद what, येलो। तो इसी पॉइंट को यहां पर नोट किया हूं मैं, सो द इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड, मतलब कि कॉटिलीडन का कलर जो है उसके शेप के साथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होके अपने आप को कहीं भी एक्सप्रेस कर सकता है। सो इससे प्रूफ होता है यस कि कोई भी फिनोटाइपिक या फिर जीनोटाइपिक जो कांस्टेंट होते हैं वो इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप अपने यहां पर बिठाना है और आपको फोकस करना है सिर्फ इसमें 3:3 में, क्यों, क्योंकि हमको पेरेंटल टाइप जो मिला था भैया वो है आपका राउंड एंड येलो, बट यहां पे मुझे राउंड के साथ क्या मिला है, राउंड के साथ ग्रीन, दैट इज द न्यू फिनोटाइप। एंड ये जो कंडीशन है सिर्फ पॉसिबल है कब, जब क्या हो, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का प्रोसेस हो। तो मेंडल्स के तीनों लॉ जो है वो
आपके मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्लियर हो गए। कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ मिस होता है क्या। यदि बाय चांस कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को फिर से देखें और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपकी मार्किंग जो है, स्कोरिंग जो है, बहुत ज्यादा क्या हो, हाई हो। और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं ये जो व्हाइट बोर्ड में नोट करता हूं वो आपके लिए नोट करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका नोट्स आपके पास हो, दोबारा आपको ये वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। आप अपने कॉपी या नोट्स ओपन कीजिए, रीड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो प्लीज जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाता हूं उन सभी पॉइंट्स को आप नोट करें, और आपके पास जो नोट्स होगा वो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र होगा, जिसको आप एक बार छोड़ेंगे तो जो आपका एम है, जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है वो क्या होगा, पूरा होगा। जिस दिन आपका एम जो है पूरा हो जाए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि सर आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा किया और मुझे जो भी एम था वो क्या कर लिया, मैंने क्रैक या फिर डन कर लिया। ठीक है, ओके। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और साथ में क्लियर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है आपका बैक क्रॉस। ठीक है, तो मैं आपको बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इवन रेसिप्रोकल क्रॉस को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर करा दूंगा। वो डायग्राम याद रखना, बाकी आपका सबका जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए बैक क्रॉस की बात कर रहा हूं, देखो यहां ना नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है, यहां पे देखो, यदि मैं बोलूं बैक क्रॉस, बैक मतलब कि आप पीछे जा रहे हैं, बैक मतलब पीछे जाना। देखो यदि हम कभी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, किसके बीच में कराते हैं भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो हम सबको पता है कि एफ वन जनरेशन में हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, राइट। अब देखो ये क्या है, ये टॉल है, डॉर्फ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हमको मेन फोकस करना है क्या है, बैक क्रॉस, राइट। तो देखिए जब हम एक प्योर टॉल का डॉर्फ के साथ में क्रॉस कराते हैं तो हमको एफ वन जनरेशन में क्या मिलता है, एक प्रोजेनी मिलता है। अब क्या होगा कि जब हम प्रोजेनी का क्रॉस करा दे उनके पेरेंट्स के साथ, या तो रिसेसिव के साथ या तो फिर डोमिनेंट के साथ, देखो किसी भी एफ वन प्रोजेनी या एफ वन इंडिविजुअल का उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर है, सिंपल है ना, उनके प्रोजेनी को अपन उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा दिए तो वो कहलाया बैक क्रॉस। अब यहां पे देखो बैक क्रॉस के डिफरेंट टाइप्स है, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। देखो अब देखने यहां पे यदि मैं बात करूं आउट क्रॉस का, तो आउट क्रॉस में क्या होगा, सेम देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्या मिला हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इस एफ वन प्रोजेनी का, मैं यहां पे नोट कर देता हूं ना, एफ वन प्रोजेनी का क्रॉस हम किसके साथ करा दें, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉस बोलेंगे, सिंपल है ना। अब मैं बात करता हूं टेस्ट क्रॉस का, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यहां पे देखो जब हम सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट होगा, है ना, देखो एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं, एक वीडियो लेक्चर में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप नीट के टफ से टफ क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बस अपना माइंड यहां वीडियो पे रखो, सब पॉइंट क्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो टॉल प्लांट है उसको हमने क्रॉस कराया डॉट प्लांट के साथ, हमको क्या मिला, एफ वन जनरेशन जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं, एफ वन जनरेशन बोलते हैं। तो एफ वन जनरेशन में जो भी प्रोजेनी हमको मिला बस उसका क्रॉस हम किसके साथ करा दिए, रिसेसिव के साथ। तो जब हम रिसेसिव के साथ में, यहां पे नोट कर देता हूं भाई, है ना, क्या ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट्स, राइट, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म्स को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस, तो दोनों में हम टेस्ट क्रॉस करके देख लेते हैं। देखो पहला है हमारा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, राइट, दूसरा कंडीशन हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड, है ना, डाई हाइब्रिड में भी हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट, ये हो जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है, अब दोनों का हमको रिजल्ट्स नोट करना है। सबका मैं डेफिनेशन यहां पे नोट करूंगा, आप सबके डेफिनेशंस को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है टर्म्स को और कभी कभी पूछा जाता है इनके कंडीशंस को, तो दोनों हम यहां पे क्लियर करेंगे। मैं यहां पे नोट कर दूंगा, आप पूरे एज इट इज जैसा मैंने बनाया है एक पेज पे नोट कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसका हम इसके साथ क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे। तो देखो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया स्मॉल टी के साथ करा दिए। ठीक है, तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हम ना पनेट स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारा भाई पनेट स्क्वायर ले लिया एकदम सिंपल सा, यहां पे हमने पुट किया कैपिटल स्मॉल। ठीक है, एक हो गया, दूसरे को हम यहां पुट कर देते हैं स्मॉल टी, क्या मिलेगा हमको, देखो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से मिल गया, यहां क्या होगा स्मॉल टी, यहां क्या होगा कैपिटल स्मॉल और ये स्मॉल स्मॉल। तो यदि आप देखें क्या देखेंगे कि ये अल्टरनेट, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, इनकी रेशियो कितनी है, मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, ये 1:2, तो 2:2, 1:2, 2:2 इसका आंसर है, राइट। बट इसको यदि आप कट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1:1 आंसर आएगा, किसका, टेस्ट क्रॉस का। यदि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो उसका जो रेशियो आएगा वो होगा आपका 1:1 या फिर 2:2 आएगा आंसर, याद रखना ये रेशियो है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डाईहाइब्रिड क्रॉस का, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस याद करो जो मैं इसके वीडियो के पहले वाले पॉइंट्स में जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने भाई, कि हमने क्या किया था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, है ना, इनका क्रॉस कराया था तो हमको क्या मिला था, यहां पे हमको मिल गया था रिजल्ट में क्या मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये हमारा F1 प्रोजेनी है, इसका हम क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूं, इसका हम क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ कराएंगे भाई, तो हमारा जो रिसेसिव पेरेंट्स होगा उसके साथ कराएंगे। तो रिसेसिव क्या था भाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये था। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसके गैमेट क्या बनेंगे, ये चारों के चारों गैमेट फॉर्मेशन में क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्या डिफरेंट है। तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां पे देखो ये दोनों सेम है, तो यहां से आर और ये स्मॉल वाई जो है पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखना कि इसके कितने कंडीशन बनेंगे, यदि हम पनेट स्क्वायर बनाएं, यदि ये कैसा होता इसके जैसा होता तो कितने प्रोजेनी बनते, टोटल 16 बनते, बट यहां पे क्या है सिर्फ दो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, 4 प्रोजेनी मिलते हैं। कैसे 4 प्रोजेनी मिलते हैं, यहां पे देखो, तो इसके लिए क्या होंगे, 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स होंगे, कैसे देखें यहां पे, मैं यहां पे 4 टोटल कॉलम्स बना देता हूं, ये आपके 4 डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा जो एरिया है थोड़ा सा शॉर्ट हो, बट कोई बात नहीं, इसमें हम मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक हो जाएगा इसके लिए, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब अल्टरनेट हो जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई इसके लिए, फिर हो जाएगा हमारा कैपिटल सॉरी स्मॉल आर और हो जाएगा कैपिटल वाई। ठीक है, अल्टरनेट हो गया, फिर स्मॉल वाला पुट कर देते हैं कैप स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 डिफरेंट बन जाएंगे, बट इसके लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही बनेगा, तो एक बनेगा उसको मैं यहां पे नोट कर देता हूं ये ऐसा। तो क्या क्या हमको यहां पे प्रोड्यूस मिलेगा, देखिए यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये मिल जाएगा, दूसरा कंडीशन देखो कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई ये मिलेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या मिलेगा, देखो स्मॉल आर और आपको मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये मिल गया, और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारे क्या है प्रोजीनी सॉरी ये दोनों हमारे क्या है पेरेंट्स है, और ये हमारा क्या है न्यू फिनोटाइप है। तो इसका भी रेशियो कैसा होगा, यहां का 1:1 था, इसका भी क्या हो जाएगा 1:1:1:1, ये इसका क्या होगा रेशियो होगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी, तो याद रखना कि जब भी मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो 1:1 या फिर 1:1:1:1 आंसर आएगा। ठीक है, इससे डिफरेंट कोई भी आंसर नहीं आ सकता,
चाहे आप किसी भी सैंपल का यहां पे टेस्ट क्रॉस रख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब यहां पे देखो, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, बट टर्म्स में आप कैसे इसको नोट करेंगे, तो यहां पे आप सबके डेफिनेशन को यहां पे नोट कर लो, ठीक है। मैं नोट कर देता हूं आपको, बैक क्रॉस क्या होता है बोलो जान, कि जब भी हम F1 प्रोजेनी के उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अ बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ देयर पेरेंट्स, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव किसी के साथ भी क्रॉस कराएंगे तो उसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। अब बात करते हैं आउट क्रॉस का, तो आउट क्रॉस किसको बोलेंगे, जब हम F1 प्रोजेनी का डोमिनेंट के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस। तो देखो यहां पे, व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट्स देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया। अब टेस्ट क्रॉस के लिए मैं डेफिनेशन यहां पे नोट किया हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बैक क्रॉस के लिए डेफिनेशन यहां पे है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होगा, जब हम रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराएंगे। तो देखिए यहां पे, व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद देयर रिसेसिव पेरेंट्स देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है आप नोट कर ले, मैं आपके डिस्प्ले से हट जाता हूं, इसको आप कैप्चर कर लें और इसका डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। सो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो आपके बाकी क्रॉस से भी बहुत इजी है। बस आप ये देखिए, ये दो डायग्राम देखिए, मैंने क्या किया कि दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। मैंने क्या किया कि मान लेता हूं मैं कि यहां पे जो आपका डोमिनेंट है उस वो क्या है, मेल है, है ना, जो डोमिनेंट है वो मेल है और रिसेसिव जो है वो क्या है, फीमेल है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसे कंडीशन लिया मैंने कि मेल को मैंने लिया डोमिनेंट और फीमेल को लिया हमने रिसेसिव, तो हमारा जो F1 प्रोजेनी आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये F1 जनरेशन। पूरे के पूरे क्या होंगे, 100% क्या होंगे, टॉल होंगे, इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। अब हमने क्या किया कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, जो डोमिनेंट था उसको मैंने ले लिया फीमेल, ये क्या है, डोमिनेंट है, इसमें मेल था, इसमें मैंने क्या लिया, फीमेल ले लिया, और जो रिसेसिव है उसको मैंने क्या ले लिया, मेल। तो इसमें भी जो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे F1 जनरेशन में वो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% क्या होंगे, टॉल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, हम कोई भी क्रॉस कर ले, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, तो उन सभी क्रॉस में जो F1 जनरेशन है वो क्या होगा, 100% डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अकॉर्डिंग टू द मेंडल। बट इसका एक एक्सेप्शन मैं यहां पे आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्रॉस जिसमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने मेल कंडीशन लिया है उसको दूसरे एक्सपेरिमेंट में फीमेल ले लिया, तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आ रहा है? तो यदि आप इसको सिंपली डिफाइन करना चाहेंगे तो इन द टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2, राइट, यहां पे मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो ए को हमने लिया मेल और बी को हमने ले लिया क्या, फीमेल। बट इन द अनदर एक्सपेरिमेंट ए को हमने लिया फीमेल और बी को क्या ले लिया, मेल। तो इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, और रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होंगे इफ इफ इसको रेगुलेट करने वाले जीन कौन से होंगे, कैरियोजीन्स होंगे। कैरियोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियर कंट्रोल जितने भी जीन्स होंगे वो इस लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब 100% कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन्स। तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स में जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो इसी जेनेटिक्स के चैप्टर में मैं आगे आपको क्लियर करूंगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो मैं नीचे यहां पे इसके पॉइंट्स में नोट कर देता हूं। व्हेन टू पेरेंट्स आर यूज्ड इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, देखिए दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं जो कि दो एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे हैं, इन सच अ वे दैट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, क्या हो रहा है,
इज यूज्ड एज, अब देखो यहां पे ए हमारा क्या है, सैंपल है, ठीक है, तो ए इज यूज्ड एज अ फीमेल, ए को हमने एज अ फीमेल लिया और बी एज अ मेल, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। बट इन द अदर एक्सपेरिमेंट ए विल बी यूज्ड एज अ मेल। अब देखो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने फीमेल लिया था, अब ए को हमने क्या ले लिया, मेल ले लिया, और बी एज अ फीमेल। सो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसको आप कैप्चर कर लें, ये डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट कर लें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जितने भी क्रॉस इंक्लूड थे मैंने आपको पूरा यहां पर क्लियर करा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ कमी होगी तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म करें ताकि मैं अपने वीडियो को इससे बेहतर बना सकूं। साथ ही साथ जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना ही मेहनत आपको भी करना है, क्योंकि यदि हम दोनों का जो हार्डवर्क है वो मैच होगा तभी हम नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाकी के जो जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंकेज, सेक्स लिंकेज, एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और जितने भी बाकी चैप्टर्स जो यहाँ पे छूट गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे जेनेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो तीन पार्ट्स में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो यूट्यूब में इन तीनों वीडियोज को आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।